हाँ तो गाइज अभी मैं इन्वरकार्गिल की मार्केट के पास घूम रहा हूँ। बर्गर फ्यूल भी है, सिटी काफ़ी डेवलप हो रखा है, ये पुरानी कंपनीज। हाँ तो गाइस शाम का टाइम हो गया है, यहाँ इन्वरकार्गिल में मैं हूँ। आज मैं सुबह निकलूँगा यहाँ से। देखिए यहाँ पे एक मैकडोनल्ड के पास रुका था मैं। ये देखो ओल्ड बिल्डिंग, पता नहीं कितनी ओल्ड बिल्डिंग है यहाँ पे। सामने जी पंप है, मिशे वशे और सब है। इधर भी एक ओल्ड सी बिल्डिंग लग रही है। सारी सिटी इन्वरकार्गिल में काफ़ी बिजी है और पार्किंग बड़ी मुश्किल है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं 5 o'clock के बाद कोई लॉन्ग टर्म पार्किंग मिलेगी तो वहाँ पे कार पार्क करूँगा ओवरनाइट के लिए। Thank you.
मैंने तो सोचा था गाइस कि इन्वरकार्गिल जो है एक छोटा सा टाउन या विलेज होगा, लेकिन बहुत बड़ी सिटी है। पुरानी बिल्डिंग्स के साथ साथ नई बिल्डिंग, होटल्स, कॉलेज, यूनि सब कुछ बना रखा है इन लोगों ने। ये न्यू बिल्डिंग, इसके साथ में ओल्ड बिल्डिंग जो कि 1901 से बनी हुई है, 1901 सारी मार्केट बन गई नीचे। बर्गर फ्यू और सारी शॉप्स। इंडियन रेस्टोरेंट इन्वरकार्गिल में, न्यूजीलैंड में। हाँ तो गाइस काफ़ी टाउन घूम लिया है, एक्सप्लोर कर लिया है, अभी चलते हैं रूम में। कल को मुझे सुबह निकलना है, फिर लॉन्ग ड्राइव है, डुनीडन से होते हुए जाएंगे। सो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू गाइस।